सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं डोसा और इडली का बैटर कैसे बनाया जाता है। तो कई लोगों के मैसेज आए हैं कि हमें ये बताएं आप, और कई बार ऐसा होता है कि बैटर हमारा सही नहीं बन पाता, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो रेशियो होती है दाल और चावल की वो हम सही नहीं रखते। तो आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, ये देखिए, ये चावल बहुत थोड़े मोटे हैं, ये देख लीजिए, ये बासमती चावल नहीं है, ये नॉर्मल राइस है। इसे आप जब शॉप से खरीदो तो इडली राइस कह के भी ले सकते हो। तो इसकी मैंने ये वाली कटोरी बिल्कुल इस तरह सरफेस तक तीन ली है, ये तीन कटोरियां हैं हमारे पास चावल की। और ये मैंने दाल ली है, उड़द दाल है ये, धुली हुई, ये थोड़ी मूंगी की दाल जैसी होती है, वो येलो होती है, ये थोड़ी व्हाइटिश होती है। तो इसकी एक कटोरी, चावल हमारे तीन कटोरी और दाल एक कटोरी, इनकी रेशियो हमने ले ली है। और इन्हें हमने साफ करके अच्छी तरह देख लेना है, इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ हो चावल भी दाल भी। इन्हें हमने धो के 12 या 10 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इसके अंदर जो हम दाल भिगो रहे हैं उसके अंदर एक चम्मच के करीब हम मेथी दाना डाल देंगे। ये मेथी दाना हम क्रंची करने के लिए डालते हैं, जो हमारा डोसा बने वो बिल्कुल क्रंची बने। तो इसे मैं धो देती हूँ अच्छी तरह, तीन चार पानी में आप धो दीजिए इसे, तब इसको पानी डाल के ऊपर तक भिगो के रख दीजिए 10 घंटे के लिए। अब हमने इन्हें भिगो दिया है, भिगो के हम इन्हें ढककर रख देंगे। तो ये अब हमने, जैसे आपने मॉर्निंग में भिगोया है तो शाम को खोलने हैं, अगर आपने रात को भिगोया है तो सुबह खोलने हैं। तो इस तरह आप इन्हें ढककर साइड में रख दीजिए। अब हमें इसे दाल को और चावलों को भिगोए हुए 10 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, तो अब हम इन्हें खोलते हैं। ये देखिए, दाल का जो साइज है डबल हो गया है, ये देखिए कितनी फूल चुकी है ये। और अब हम आपको चावल भी दिखाते हैं, देखिए चावल भी अच्छी तरह फूल गए हैं। अब हमने क्या करना है, ग्राइंडर लेना है एक। इस ग्राइंडर में आप कुछ भी, चाहे दाल चाहे चावल, एक चीज पहले पीसोगे, इसमें से ये वाला पानी हम हटा देंगे। अब इसमें अगर पानी डालना होगा तो आप अलग से डालेंगे, ये वाला पानी नहीं डालेंगे। दाल हमने डाली है, इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब दाल का हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है, ये देखिए ये बिल्कुल महीन पेस्ट बन गया है। अब इसे हम एक किसी भी पॉट में निकाल लेंगे। अब दाल और चावल को हमने इकट्ठा करना है, तो एक बड़ा पॉट लेंगे, उसमें हम किसी भी बड़े बर्तन में इसको पेस्ट को निकाल लेते हैं। दाल अब हमने पीस ली है, इसी तरह हम चावल को भी पीस लेंगे। अब उसी ग्राइंडर में जिसमें हमने दाल पीसी है उसी में हम चावल को डालते हैं। चावल हमने ग्राइंडर में डाले हैं, इसमें भी 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। जो चावल में पानी डालना है वो दाल से थोड़ा कम डालना है, इसमें कम ही डलता है। और अब हम इसे बंद करके अच्छी तरह ग्राइंड कर ले। चावल अब पीस चुका है, इसको भी हम इसी बाउल में डाल लेंगे। और जो चावल पीसना है बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है आपने, थोड़ा सा दरदरा पीसना है, इससे जो डोसा बनेगा वो बहुत ही ज्यादा कुरकुरा बनता है, क्रंची बनता है। इसी तरह हम सारा चावल और दाल पीसकर एक बाउल में इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा एक पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हमने इसमें पानी ज्यादा नहीं डालना है, इसे एक बार मिक्स कर देंगे। और नमक भी अभी नहीं डालना है, कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। इसे हम इसी तरह मिला के ढककर 10 या 12 घंटे के लिए रख देंगे। अगर तो गर्मी है तो ये 10-12 घंटे में अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा, अगर गर्मी नहीं है, ठंड का मौसम है, तो इसे 12 से 20 घंटे भी लग जाते हैं फर्मेंट होने में। तो हो सके तो इसे आप ओवन में रख दें थोड़ा सा प्रीहीट करके हल्का सा, या फिर आप माइक्रोवेव में रख दें इसे, इसकी लाइट ऑन करके। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो आप इसे किसी अलमारी में रख सकते हो, उसमें ढककर अच्छी तरह कपड़े ऊपर डाल के, 2-3 कपड़ा या कंबल के अंदर डाल के इसे आप रख दीजिए, तो ये अच्छी तरह फूल जाएगा और इसके डोसे और इडली बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इस पे ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। और इसे अब हम किसी भी कपड़े से ढककर धूप में रखेंगे 10 या 12 घंटे के लिए, इसी तरह रख देते हैं। अब हम इसे बाद में चेक करेंगे। अब इसे हम खोल के देखेंगे, इसे रखे हुए मैंने मॉर्निंग में इसको रखा था, तो अब रात हो चुकी है,
तो इसको रखे हुए 15-16 घंटे हो गए हैं, तो हम इसे खोलते हैं। ये देखिए जितना इसका साइज था नॉर्मल पहले आधा आधे से भी कम था, ये अब पौना हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा फॉर्मेट हुआ है, ये बिल्कुल अच्छी तरह फूल कर रेडी हो गया है। और ये बैटर हमारा अब तैयार है, इसे हम इस तरह घोल लेंगे और इससे अब हम डोसा और इडली दोनों बना सकते हैं। ये देखिए अब जब हमने डोसा और इडली बनाना है तब इसमें हल्का सा नमक डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है। अगर आपने इसको रखना है फ्रिज में तो इसमें नमक डाल के नहीं रखना, आपने इसी तरह रख देना है। और फ्रीज इसको आप नॉर्मल फ्रीजर में 4 या 5 दिन तक इसे आराम से रख सकते हो, इसे यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा बैटर बन गया आपका तो 4-5 दिन ये चल जाएगा। और अब जब भी डोसा बनाओगे या इडली बनाओगे इसमें हल्का सा नमक और पानी डाल के बना सकते हो। अगर आपको हमारी यह डोसा बैटर बनाने की, इडली बैटर बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।